नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर हैज़ एन इनिशियल स्ट्रैच ऑफ 0.2 मीटर इन चेंजिंग द स्ट्रेच टू 0.25 मीटर द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी अबाउट और हमारे ऑप्शन है 0.1, 0.2, 0.3 टू या फिर पॉइंट फोर जूल बहुत सिंपल सवाल है ये अपने को पता है कि जो आपकी स्प्रिंग होती है आ, जिसका कॉन्स्टेंट के है नेचुरल लेंथ से आपने मान लीजिए उसे पहले एक्स खींचा उसके बाद आपने एडिशनल एक्स खींचा है पहले एक्स वन पे था अपने एडिशनल एक्स टू खींचा है तो इस केस में जो आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन का स्क्वायर बिकॉज आपका एडिशनल स्ट्रेच जो है एक्स वन देने के बाद टोटल स्ट्रेच आपका एक्स वन प्लस एक्स टू हो गया है सो सिंपल सवाल वैल्यू रखना है अब यहाँ पे ये आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हम के की वैल्यू रखेंगे टेन ये हमने कॉमन ले लिया uh, ये अपने को दे रखा है पॉइंट टू फाइव ट्वेंटी ये अपना है ज़ीरो पॉइंट टू फाइव स्क्वायर माइनस ज़ीरो पॉइंट टू स्क्वायर बस इसका हमें डेटा रखना है वैल्यू रख के हमारा आंसर आ जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू ए फाइव हुआ अच्छा पॉइंट टू फाइव uh, का स्क्वायर कई बार करने में लोग थोड़ा घबराए जाते हैं परेशान हो जाते हैं सो so मेरी सलाह ये होती है कि जैसे जीरो पॉइंट टू फाइव है इसको आप ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड भी लिख सकते हैं तो ट्वेंटी फ़ाइव बाई हंड्रेड लिख के डेटा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा उससे कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स को मेंटली वी आर मोर प्रिपेयर्ड सो उस केस में ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर हमें पता है सिक्स uh, होता है सो दिस विल बी इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड माइनस सेम फॉर्मेट में इसको 20 बाय 100 लिख लेते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू 400 हंड्रेड uh, का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इं हंड्रेड सो so, में से जब आप फोर हंड्रेड माइनस करेंगे तो टू टू फाइव बचेगा और टू टू फाइव को फाइव से वैल्यू uh, आ जाएगी सो uh, so, इसे कैलकुलेट करके ये बन जाएगा आपका पावर uh, फोर uh, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे पावर माइनस फोर यानी कि वैल्यू डॉट यहाँ लग जाएगा जीरो पॉइंट वॉट सो क्लोजेस इसका है अपना 0.1 पॉइंट uh, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 0.1 जूल ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर